चैनल। सो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड मज़े में होंगे। एंड आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ दिस ब्यूटीफुल ग्रीन तीज मेकअप लुक। एंड आई होप आपको ये मेकअप लुक अच्छा लगे। एंड चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि मैंने ये लुक कैसे क्रिएट किया है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस, फर्स्ट मैं अपने फेस को मॉइस्चराइज करूँगी एंड उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है ये जॉय का मॉइस्चराइज़र। एंड इसको मैं अच्छे से मसाज करके अपने फेस पे अप्लाई कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज करूँगी एंड इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है लैक्मे का लिप बाम। ऑफकोर्स अपने फेस के साथ अपने लिप्स को भी मॉइस्चराइज करना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट मैंने प्राइमर के लिए यहाँ पर यूज़ किया है इनसाइड का 3-in-1 प्राइमर। इसको मैं अपने फेस पर लगा लूँगी एंड अप्लाई कर लूँगी अच्छे से। नेक्स्ट मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी फाउंडेशन। उसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मेबेलिन का फिट मी फाउंडेशन। इसको मैं अपने फेस और नेक पे डॉट डॉट करके अप्लाई कर लूँगी गाइस। एंड देन एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहो तो ब्रश का यूज़ भी कर सकते हो। अपनी आई को कंसील करने के लिए यहाँ पर मैंने यूज़ किया है एलेगल का HD प्रो कंसीलर। एंड इसको मैं अपने अच्छे से अपने आई पे अप्लाई कर लूँगी एंड देन एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसको भी अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अपने फेस को सेट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ इनसाइड का लूज पाउडर। आप चाहो तो अपना फेवरेट कॉम्पैक या अपना फेवरेट लूज पाउडर यूज़ कर सकते हो। नेक्स्ट मैं अपने आईब्रो को फिल करूँगी। उसके लिए मैंने इस पैलेट से ये दो शेड्स लिए हैं एंड इनको मिक्स एंड मैच करके मैं अपने आईब्रो को फिल कर लूँगी गाइस। आईब्रोज़ को फिल करने के बाद हम करेंगे आई मेकअप। एंड जो जो आई शेडोज़ मैंने यूज़ किए हैं मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूँगी गाइस। सो गाइस, फर्स्ट मैं अपने आई पे अप्लाई करूँगी ये रेड शेड कुछ इस तरह से एंड इसको मैं अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी अपनी क्रीज तक। एंड एक लाइट ऑरेंज शेड लूँगी एंड इसको मैं अपनी अबाव क्रीज तक अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। नेक्स्ट मैं कट क्रीज बना लूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फ्लैट ब्रश लिया है जिसमें मैंने वही कंसीलर लगाया है जो मैंने अपने आई पे लगाया था। एंड देन मैं जहाँ मैंने कट क्रीज बनाई है वहाँ पे मैं शिमर शेड लेके अप्लाई कर लूँगी अच्छे। नेक्स्ट मैं अप्लाई कर रही हूँ ग्लिटर आईलाइनर अपने कट क्रीज पे गाइस कुछ इस तरह से। जो रेड शेड मैंने फर्स्ट अप्लाई किया था मैं वही रेड शेड अपने लोअर लैश लाइन पे अप्लाई कर रही हूँ गाइस। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी काजल अपनी वाटर लाइन पे। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी लाइनर। उसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ किया है लैक्मे का लिक्विड लाइनर। आप अपना फेवरेट कोई भी लाइनर यूज़ कर सकते हो गाइस। एंड इससे मैं एक फाइन लाइनर ड्रॉ कर लूँगी कुछ इस तरह से। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी मस्कारा। आप अपना कोई भी फेवरेट मस्कारा या फेक लैशेस भी यूज़ कर सकते हो गाइस। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी ब्लशर। उसके लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ एंजल रोज़ का ब्लशर पैलेट एंड इसको मैं अच्छे से अप्लाई करूँगी अपने फेस और चिक्स पे। एंड अपने फेस को हाईलाइट करने के लिए मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ सिवाना का ये कॉन्टोर एंड हाईलाइटर पैलेट। इससे मैं अपने फेस को एंड ब्राउ बोन को अपने इनर कॉर्नर को अच्छे से हाईलाइट कर लूँगी। नेक्स्ट मैं अप्लाई करूँगी लिपस्टिक एंड इसके लिए मैंने यहाँ पे यूज़ की है ब्लू हेवन की पाउडर मैट लिपस्टिक शेड जस्ट नट। एंड या गाइज, आई एम रेडी। आई होप आपको ये लुक अच्छा लगा होगा एंड इस तीज आप ये लुक ज़रूर ट्राई करेंगे। इस लुक को कंप्लीट करने के लिए मैंने यहाँ पे बिंदी लगाई हुई है एंड अगर मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी भारी लग रही हो तो आई एम सो सॉरी। हे गाइस, आई होप आपको ये ग्रीन तीज मेकअप लुक अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सब्सक्राइब टू माई चैनल ऑल्सो, वहाँ पे एक बेल बटन होगी उसको भी क्लिक कर देना जिससे कि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आएगा। एंड या आई होप आप इस तीज को ये मेकअप लुक ज़रूर ट्राई करोगे। And yeah, love yourself. Bye, take care.